मैं सो के उठी थी और ऐसा हो नहीं सकता कि आप सो के उठे और चाय ना पिए। चाय पीना तो बहुत जरूरी है और मैं आपको सिखाऊंगी आप एक स्वादिष्ट स्वादिष्ट किस्म की चाय कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आपने चूल्हा जो है वो ऑन कर लेना इस तरीके से। इसके ऊपर आपने इस तरीके से सॉस पैन रख लेना है, फिर आपने इस तरीके से उछाल के पानी डालना है तो ताकि आपकी चाय बहुत अच्छी बने। उसके बाद इस पानी में आपने पत्ती डाल देनी है, खूब सारी पत्ती डाले मैं आपको ना बहुत ही अच्छी किस्म की चाय बनाना सिखा रही हूँ। आपके रिश्ते वाले आए उनको आपने चाय बना के पिलानी है। खैर मेरे तो रिश्ते वाले ऐसे ही हो गया था, मैं तो कभी ट्रे लेकर गई नहीं, लेकिन आप लोगों ने इस तरीके से उन्हें चाय बना के पिलानी है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। और जब कहवा पकने लग जाएगा तो फिर आपने इसमें दूध डाल देना है। वैसे मैं एक बात को, जितनी अच्छी चाय ऑलपर्स की बनती है ना, कसम किसी की इतनी मज़े की चाय नहीं बनती। अब शायद आपको दूसरे दूध की चाय अच्छी लगती है, मुझे तो इतनी वो कौन सा दूध हम पीते हैं, फ्रेश मिल्क गाय वाला दूध, उसकी भी चाय इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी मुझे ऑलपर्स की चाय अच्छी लगती है। ऑलपर्स की चाय बड़े मज़े की बनती है। और अब हम चाय में डिप कर करके रस के खाएंगे। मेरा सबसे फेवरेट नाश्ता है मेरा, जो लोग मेरी शादी से पहले ब्लॉग देखते थे, मैं नाश्ते में सिर्फ यही खाती थी, रस और चाय। इसे आम मुझे कुछ नहीं पसंद था नाश्ते में। बस वो जब से मैं शादी हुई ना, रूटीन चेंज हो गई तो मैं पराठे खाने लग गई, वरना मैं पराठे नहीं खाती थी इतने शौक से, मैं ये ज़्यादा शौक से खाती थी। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैं अम्मी के साथ आई थी मार्केट कपड़े लेने के लिए। अम्मी ना हमेशा मेरे साथ ही आती हैं जब भी उन्होंने कोई कपड़े लेने होते हैं, और आपको पता है गर्मियाँ आ गई हैं, लेकिन फिलहाल अभी इतनी वाली गर्मी तो नहीं आई क्योंकि पहले गर्मी आ गई थी और फिर एकदम से बारिशें शुरू हुई और मौसम बहुत अच्छा हो गया। तो खैर पहनी तो अब भी लॉन जा रही है, मेरे ख्याल से कोई घर में लीलन तो पहन कर नहीं घूम रहा होगा। सही कह रही हूँ ना, सब लॉन ही पहन रहे होंगे। तो बस यहाँ पे अम्मी और मैं आए थे कपड़े लेने के लिए। कुछ ड्रेसेज जो मुझे अच्छे लगेंगे मैं ले लूँगी, अम्मी को जो अच्छे लगेंगे वो अम्मी ले लेंगी। और जब मैंने सोच रखा मैंने कोई भी लॉन का ड्रेस ना ब्रांड से नहीं लेना है, क्योंकि ब्रांड पे इतनी अन्नी मची हुई है ना ड्रेसेस को लेकर, इतने महंगे ड्रेसेस हैं वहाँ पे लॉन के जिसकी कोई इंतहा नहीं। घर में पहनने के लिए इंसान को लॉन चाहिए होती है और उसे वही चाहिए होती है जो कम्फर्टेबल कपड़ा। अब 8-10 हज़ार का ड्रेस बंदा लॉन का ले और घर में पहने तो बस उसका हो गया काम ना। खैर उसे फिर हम घर आए, इतने में काफ़ी टाइम हो गया था। अब ये मत समझेगा कि मैंने डायरेक्ट नाश्ते के बाद चाउमीन खा रही हूँ, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, मुझे बड़ी जोर की भूख लग रही थी। तो ये वाली जो चाउमीन है वो मुझे बहुत पसंद है, मुल्तान में ड्रैगन वर्क है, उनकी चाउमीन बहुत मज़े की होती है। तो अगर कोई खाना चाहे तो वहाँ से खा सकते हो। यहाँ पे मेरी बहन बॉक्स लेकर जाई थी, मैंने उसे कहा छोड़ यहीं पे रख, पहले मुझे खाने दे, जो बचेगा वो मैं तुझे दूंगी। छोटा सा बिल्ली का बच्चा है जो हर वक्त हर जगह शैतानी करता रहता है, इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ चुटको इधर आ, हर वक्त हर जगह शैतानी करता है, मेरा बैग ना खराब कर, इधर आओ इधर आओ इधर तो आओ, ओ किधर चले, ये हर वक्त बंदरों की तरह ना हर जगह फुदकता रहता है, इधर आओ इधर आओ इधर आओ वो तो तुम वैसे क्यूट लेकिन हो बहुत शैतान। हाँ अम्मी क्या कह रही, मैं चूड़ियां गिरा दी, क्या कह रही अम्मी क्या है, चलो चुटकू चले इधर 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 इधर। अम्मी मैं आपके बच्चे को लेकर आ रही हूँ साथ साथ में, इस बच्चे को भी लेकर आ रही हूँ। क्या हुआ ये भी की, क्या हुआ किसको सर्चिंग, किसको सर्चिंग जी, ये अम्मी न्यू व्हाट्सएप का फीचर आया है वो वाला, ये न्यू व्हाट्सएप का फीचर आया। ये मेरी बहन मेरे लिए पिज्ज़ा लेकर आई है, बहन हो तो हो मेरी बहन जैसी क्योंकि जब से मैं आई हूँ ना, मेरी जब से शादी हुई है तब से मैं जब जब आती हूँ ना, मेरी बहन मुझे मेरा पिज़्ज़ा खिलाती है फेवरेट। शादी से पहले मैं ही ने मंगवा के खिलाती थी अपनी बहन को, लेकिन उसके बाद सबसे मेरी बहन की जॉब लगी है ना, वो मुझे मंगवा के खिलाती है पिज़्ज़ा। बहुत शुक्रिया फायका आपकी इस मोहब्बत का, जाए मेरे कोल्ड ड्रिंक ले आए, इसे गर्म करके ले आए, ठंडा हो गया है। उसके बाद यहाँ से जो नेक्स्ट डे का ब्लॉग स्टार्ट होता है, और अभी मेरा मेकअप में लास्ट डे था, आज मैं अपने घर वापस चली जाऊँगी शाम में। तो यहाँ मेरा एक फेवरेट नाश्ता है नान चने, मुझे बहुत पसंद है, जहाँ से मेरे अब्बू चने लेकर आते हैं ना, वो इतने मज़े के चने होते हैं, इवन मुझे अपने ससुराल में भी इतने मज़े के चने नहीं मिलते, हमारे यहाँ ना बहुत ही बुरे चने मिलते हैं, मुझे नहीं पसंद। इवन जब मैं कराची गई वहाँ पर मुझे कोई अच्छे चने नहीं दिखे, शायद मेरे मियाँ जहाँ से लाते हैं वहाँ से अच्छे नहीं मिलते, पता नहीं क्या मसला है, लेकिन मुझे मुल्तान के जो चने हैं ना वो बड़े अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने नाश्ता किया, उसके बाद फिर हमारे घर में गेस्ट आ गए थे, मेरे अब्बू के दोस्त हैं वो उम्रे पे गए थे, तो उन्होंने ये चीज़ें दी हैं आप जमसम।
ये कैलकुलेटर वाली तस्बीह है ये उन्होंने दी है, और साथ में ये खजूरें हैं, तिल और बादाम वाली खजूरें हैं ये। और ये इतना प्यारा लगा था ना मुझे, इसका जो बॉक्स है ना वो बड़ा मज़े का लगा था। 5 दिन रहने के बाद जी अब हम अपने घर वापस जा रहे हैं, पता ही नहीं चला 5 दिन जो है वो कैसे गुजर गए। ये मेरा बैग है, 5 दिन के लिए रहने आते हो और इतना सारा बैग बन जाता है। फाइका इधर आओ, इधर तो आओ, हम जा रहे हैं। फाइका मेरी ऐनक का ऐनक पहन लेते, वैसे तो पहन के पता नहीं मुझे अपना ऐनक में अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता पता नहीं कौन सी टीचर आ गई हूँ मैं। खैर उसके बाद 7:30 बजे हम लोग घर पहुंच गए थे। फुप्पो के साथ मैं आई थी, फुप्पो आई थी मुझे लेने के लिए, तो बस फुप्पो और मैं घर आ चुके हैं। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा रेस्ट किया, पानी शानी पिया, और यहाँ पे मैंने अपने कपड़े वगैरह वो समेट लूँ। जितने फास्ट फॉरवर्ड में आपने देखा है ना, काश इतनी जल्दी काम भी होता तो क्या ही बात थी। मेकर जाओ और वहाँ से बंदा कपड़े ना लेके आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। खैर ये कि आसिम जोफा का ड्रेस था, ये मैंने नहीं लिया है, मेरी सिस्टर ने मुझे ये ना दिया है, गिफ्ट किया है, तो ये मैं आपको बाद में खोल के दिखाऊँगी। खैर मैं अपने घर में पहनने के लिए वहाँ से ड्रेसेस लेकर आई हूँ, और मैं जब भी जाती हूँ ना मैं लेकर आती हूँ अपने मेके के, वहाँ से मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि शुरू से जहाँ पे एक जगह पले बड़े हो ना वहाँ से जो शॉपिंग करने का मज़ा आता है वो एक अलग सीन है। अच्छा जी उसके बाद ये वाला जो मैं ग्रीन का ड्रेस दिखा रही हूँ ना, ये आप ऐसा समझिए एक मेरा ही ड्रेस है, और इससे आप लोग मुझसे परचेज़ कर सकते हैं अगर आप लोगों को चाहिए, क्योंकि मैंने बात शायद अपने यूट्यूब वालों से शेयर नहीं की। इंस्टाग्राम पे जितने भी लोग हैं उन्होंने मुझसे वाले ड्रेसेस ऑर्डर किए थे और उन्हें बहुत अच्छे लगे हैं। ये एक तरह के मेरे जो पापा हैं उनके फ्रेंड यानी एक तरह मेरे अंकल समझ लें, उनकी फैक्ट्री में बनते हैं, तो अगर आपको चाहिए तो मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगी ड्रेस, आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है, वहाँ पे आप लोग ले लीजिएगा। इसमें काफ़ी सारे कलर हैं, पीच भी है, ब्लैक भी है, लेमन भी, और ये गर्मियों में पहने हुए बहुत बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। सूट मैंने अपने लिए भी लिया, मेरी अम्मी के लिए भी लिया, इवन मैंने अपनी नंदों के लिए भी मंगवाए हैं, उन्हें भी गिफ्ट करूँगी मैं, क्योंकि ये इतने अच्छे लगते हैं ना यार, सिंपल से और बहुत रीज़नेबल ड्रेसेस हैं ये, आप सोच भी नहीं सकते इनकी प्राइस इससे भी कम है, जस्ट 2100 रुपये का। ये 3-पीस ड्रेस है जिसके ट्राउज़र पे भी काम हुआ हुआ है, शर्ट पे भी, दुपट्टे पे भी, काफ़ी सारे कलर्स हैं। अगर आप लोगों को चाहिए हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, फातिमा लाइफ के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, तो मैं आपको वहाँ पे दे दूँगी, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट भी डाल देती अपने इंस्टाग्राम का। और बस यहीं पे मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ, उम्मीद है आज के व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। छोटा सा व्लॉग था, इस दफ़ा मैंने घर जाके ना कोई खास व्लॉगिंग नहीं की थी, मैं 6 डेज एक तरह से अपने मेके रहकर आई हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने वहाँ पे कोई व्लॉगिंग नहीं की यार। हर जगह ना वीडियो बनाओ, बंदे को ना कुछ फैमिली टाइम भी स्पेंड करना चाहिए। मैं काफ़ी दिन बाद अपने घर गई थी तो मैंने वहाँ पर खूब इंजॉय किया, वीडियो को मैंने साइड पर रखा, मैंने कहा कोई व्लॉग नहीं बनाना। तो खैर बस अब मैं घर आ गई हूँ, फिलहाल तो अभी रात का टाइम हो रहा है, मैं सारे काम शाम करके फ्री थी, अभी मैं दही जमा कर आई हूँ, किचन का कुछ समेट में मेट के आई हूँ। तो बस यहाँ पे हम व्लॉग को एंड करते हैं, उम्मीद आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।